स्टार्ट। तो आज हम लोग चिकन ग्रेवी बनाएगा। ये खड़ा मसाला है, तेल गरम हो चुका है, इसमें खड़ा मसाला डाल दिया हम लोग थोड़ा सा, और हम लोगों ने सारे प्रिपरेशन करके रखे हैं। मसाला है, इसमें चिली का पेस्ट है, प्याज का पेस्ट है, ये टमाटर है, धनिया है, कसूरी मेथी है, और बाकी सारे मसाले, मिर्च मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब उधर में। तो ये खड़ा मसाला हम लोगों का गर्म हो गया अभी, और अभी हम लोग इसमें डालेंगे ये हम लोगों का पेस्टेड वाला मसाला, जिसमें सारा है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसके बाद में चिली का पेस्ट है और प्याज का पेस्ट है, ये हमने डाल दिया। लगभग 25 kg तक बनाएंगे हम लोग, तो ये 25 kg के हिसाब से मसाला रहेगा। इसको लाठी बोलता है, हिलाना है। हाँ, तो ये अभी मसाला फ्राई होगा, मसाला फ्राई होने के बाद हम लोग बाकी दूसरा एक्टिविटी चल रहा है, सैलड बनेगा। बासमती चावल उधर बन चुका है, दाल को तड़का का रेडी कर चुका है, दाल इधर रेडी हम लोगों का। तो पहले इसको पकने देते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताएंगे। इसके पास में ये मिक्सचर में हम लोग ये धनिया का डंडी डाल देंगे। तो ये धनिया का डंडी डाल दिया, और इसको भी अभी कुक कर लेंगे हम लोग। इसका अच्छे से फ्लेवर आएगा इसमें, जो डंडी है उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है, लेकिन वो कुक नहीं होता है, इसलिए ये मसाला बनाते समय डालने से ही ठीक है, क्योंकि कुक नहीं होता है तो फिर बाइट करते समय वो बीच बीच में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए धनिया का डंडी पहले ही कुक होते समय डालना है। अभी उसमें धनिया का डंडी डालने के बाद में हम लोग डालेंगे कसूरी मेथी, जो कि बहुत सारा है हम लोगों के पास में। तो ये कसूरी मेथी थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रहा हूँ। तो कसूरी मेथी लगभग यहाँ पे होगी 400 ग्राम, तो ये 400 ग्राम कसूरी मेथी डाल दूंगा। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का, तो इसको मैं फ्राई कर लेता हूँ डाल के। तो थोड़ी थोड़ी करके कसूरी मेथी अभी डाल देता हूँ सारी की सारी। कसूरी मेथी हम लोग डाल चुके हैं बहुत सारी, 400 ग्राम जैसी डाली होगी हम लोगों ने। तो इसको ये मसाले के साथ में ही हम लोग रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, तो अच्छा फ्लेवर निकलेगा इसमें से। और ये डालने के बाद में हम लोग पाउडर मसाले डाल देंगे। पाउडर मसालों में हम लोग हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्चा पाउडर डालेंगे और मीट मसाला डालेंगे, बाकी कुछ इसमें ऐड नहीं होने वाला है। तो तब तक पहले इसको कुक कर लेते, थोड़ा सा ब्राउन बना लेंगे हम लोग। तो ब्राउन बनने के बाद में हम लोग इसमें चिकन मिक्स करके कुक कर लेंगे। चिकन कुक होने के बाद में गार्निश हम लोग कोरिएंडर लीव से करेंगे और घी से करेंगे। तो ये मसाला अभी डेंस और ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा कलर इसमें डेंस आ चुका है। तो इसमें जो प्याज का पेस्ट था वो पक चुका है, तो अभी इसमें हम लोग ये पाउडर मसाले डालेंगे। तो ये पाउडर मसालों में हम लोग सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी। तो पाउडर मसालों में सबसे पहले हम लोग हल्दी डालेंगे, ये 100 ग्राम हल्दी है, तो ये 100 ग्राम हल्दी हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद में डालेंगे जीरा, डाल देंगे, फ्लेम स्लो किया है क्योंकि अभी मसाला ने पूरा ऑयल सोक कर लिया, तो वो ऑयल या फिर मसाला बर्न हो सकता है, तो इसलिए उसको स्लो कर लिया हम लोगों ने। ये डाला हम लोगों ने मिर्चा पाउडर, और उसके बाद में थोड़ा सा ये धनिया पाउडर डाल दिया। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे हम लोग एक बार में, और मिलाने के बाद में इसमें हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। तो मसाला अभी अच्छे से मिल चुका है, इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा टमाटर जो हम लोगों ने ऑलरेडी काटा है, कम से कम 5 kg होगा ये। तो ये डाल दिया बहुत सारा टमाटर इसमें, इसको भी एक बार हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी ये टमाटर इसमें मिक्स हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मिक्स होते समय अभी हम लोग इसमें डाल देंगे मीट मसाला थोड़ा सा, ये वाला। तो ये अभी हम लोग इसमें डाल दिया। सारे मसाले डालते समय मीट मसाला मैंने नहीं डाला था, ऊपर से डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मसाला कच्चा रह जाए। ये मीट मसाला पूरा कुक नहीं करेगा तो इसका स्मेल या फिर इसका आरोमा बहुत अच्छे से आएगा इसमें। तो अभी धीरे धीरे मसाला पक रहा है, मसाला में अभी टमाटर भी पकने को ही आया है। एक बाजी में वेज हम लोगों का बन रहा है मिक्स वेज, तो इसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा करके, बाकी वेजिटेबल फ्राई करके रखे। पनीर है इसमें, बैंगन है, गाजर है, कॉलीफ्लावर है और कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा करके फ्राई हो रहा है। वेजिटेबल एक साइड में बनेगा, एक साइड में चिकन बनेगा। चिकन हम लोगों ने वॉश करके रखा है, तो ये थोड़ा सा और मीट मसाला हम लोग डाल देंगे। और ये डालने के बाद में हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें। तो नमक है अपने पास में, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगा। मसाला के हिसाब से ही डालेगा पहले नमक, तो ये मसाला के हिसाब से नमक, तो इसको पहले फ्राई कर लेंगे हम लोग। वेजिटेबल्स में भी हम लोग थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, तो ये इसमें भी मिल गया थोड़ा सा नमक। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाला रेडी हो चुका है एकदम, टमाटर भी गल चुका है। इसमें अभी हम लोग ये मीट डालेंगे। धोने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, लेकिन हम लोग आज ही किया है ऐसे, नहीं तो हम लोग वो स्ट्रेनर में डाल के डालते हैं डायरेक्ट। ये नया स्टाइल है, ये नया स्टाइल है। कुकर में मार दिया है, सिटी नहीं मारा है, कुछ भी मत बोलो, रुको। ये वॉश किया हुआ चिकन है, तो ये अभी हम लोग इसमें मिलाएंगे। बर्तन खाली नहीं है हम लोग उनके पास में कोई, तो इसमें अभी ऐसे ही मिला लेंगे हम लोग। ये हो रहा है, मिल रहा है। एक साइड में चिकन अभी मिल रहा है, दूसरी साइड में हम लोगों की दाल कुक हो चुकी है प्रॉपर तड़का मार के, और तीसरे साइड में ये मिक्स वेज जो कि हो चुका है। तो मिक्स वेज भी बहुत अच्छे से हो चुका है। इसके बाद में ये सारा का सारा बासमती चावल हम लोगों का, तो ये भी कुक हो चुका है। वो बर्तन में, वो एक और बर्तन भर के है बासमती चावल। तो आज का फिश काफ़ी शानदार होने वाला है, और इसी के चलते अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मीट लगभग मिक्स हो चुका है, अभी इसको हम लोग कुक होने देंगे। उसके बाद में गार्निश के लिए हम लोग धनिया डाल देंगे, और धनिया के साथ साथ थोड़ा सा घी डाल के इसको लास्ट फाइनल सर्विंग करेंगे। चिकन अभी पूरा डाल चुके हैं मसाला में, इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाएगा, मिलाने में तकलीफ होगा। तो हम लोग ऐसे मिला लेंगे धीरे धीरे करके, और ये मिलाने के बाद में हम लोगों का, जैसे मैंने बोला था, फाइनल सर्विंग होगा। इसके ऊपर से एक बार हम लोग मीट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे सर्विंग से पहले। तो बस वही है अभी, ये तो होने को ही है। ये होने के बाद में ये भी लगभग हो ही चुका है हम लोगों का सब्जी, चावल हो चुका है, दाल हो चुका है, और स्वीट में कुछ नहीं है हम लोगों के पास में। तो यही हम लोगों का आज का फिश हो गया। तो अभी मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ, ये मैंने प्लेटिंग कर दी है, आधा खाना मैं खा चुका हूँ, लेकिन ये टेस्ट मुझे कॉलेज की याद दिला रही है। इसका फ्लेवर सिमिलर टू चिकन चेट्टीनाड के जैसे है, और मसाला बर्न होने की वजह से काफ़ी स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है। तो ओवरऑल सब मिला के देखा जाए तो खाना बहुत अच्छा है।